फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्वीट बूंदी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें मैं 1 कप के करीब चीनी डाल दूँगी। 1 कप चीनी के लिए हमें 1 कप पानी चाहिए, तो हम 1 कप पानी ले लेंगे। इसी कप के मेजरमेंट से मैं पानी ले लेती हूँ। अब हमें इसका एक तार का चाशनी रेडी करना है। इसे हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक इसका एक तार का चाशनी नहीं रेडी हो जाता है। इसे हम गैस पे रख देते हैं पकने के लिए और चलते हैं बूंदी के लिए बैटर रेडी करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब बेसन ले लिया है। इसमें मैं फूड रेड कलर ऐड करूँगी, तो चलिए मैं इसमें 1 पिंच के करीब फूड रेड कलर डाल देती हूँ। फूड रेड कलर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे बूंदी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके एक अच्छा सा घोल रेडी करूँगी। देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रहे। अच्छा सा इससे इसका जो बैटर होगा गाढ़ा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। ये देखिए यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बैटर की, ये देख रहे हो आप, बस ऐसे ही हमें रखना है। अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारा चाशनी। अब देखिए सारी चीनी हम चाशनी की गल गई है, लेकिन अभी ये और थोड़ी देर पकेगा। इसी टाइम पे हम इसमें इलायची ऐड कर देते हैं। इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बूंदी में। अब हम इस बैटर में 1/2 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डाल के हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हम चलते हैं अब अपनी बूंदी रेडी करने के लिए। मैंने पहले ही गैस पे कढ़ाई रख दी थी तेल गर्म होने के लिए। हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो गया है। मैं इस छन्नी की मदद से बूंदी रेडी करूँगी। आपके घर में अगर इससे बड़ी छन्नी है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। इससे बहुत ही आसानी से हमारी बूंदी गोल गोल निकलती है, आप देख सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इस छन्नी को एक जगह अच्छे से रखना है और धीरे धीरे ये चम्मच की हेल्प से मैं इस पर डाल रही हूँ। बस धीरे धीरे हमें इसे हल्का हल्का टैप करना है और हमें तेल और छन्नी का जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। हमें छन्नी को थोड़ी नीचे ही रखनी है, ताकि हमारी जब बूंदी तेल में गिरे तो वो बराबर और गोल गिरे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूर में हमें इसे थोड़ा सा साइड करते रहना है, ताकि बूंदी अलग अलग गिरे और वो चिपके ना एक दूसरे से। ये देखिए मैंने इसे धीमी आंच पे रखा है और अच्छे से मैं पका रही हूँ। देखिए ज़्यादा देर इसे नहीं पकाना है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए ये रेडी है। इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी, पलट लूँगी एक बार इसे मैं, और इसे सबको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए इसे प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए इसी तरह मैं इसे और भी एक बार तलूँगी और मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए मैं दोबारा फिर से तलती हूँ। दोबारा तलने से पहले हमें इस छन्नी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ताकि इसके छेद जो भर गए हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसे आप रनिंग वाटर से साफ़ कर सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर से भी इसे पोंछ सकते हैं। मैंने इसे साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें फिर से चम्मच से मैंने डाल दिया है बेसन, इसी तरह से टैप करके मैं इसमें बूंदी डालूँगी। देखिए हमारी बूंदी अच्छे से हो रहे हैं। इस तरह से मैं इसे बस हिलाती रहूँगी धीरे धीरे। मैंने 1 चम्मच और इसके ऊपर डाल दिया है और मैं उसे धीरे धीरे टैप कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हमारी बूंदी देखिए रेडी हो रही है। 10 मिनट के अंदर हमारी पूरी बूंदी रेडी हो जाएगी। ये देखिए बहुत जल्दी ये हो जाती है, आप इसे घर में बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। चलिए अब मैं इसे निकालती हूँ। ये देखिए हमारी बूंदी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छी हुई है ये, देख सकते हो आप। उधर हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है। अब हम सारे बूंदी को चाशनी में डाल देंगे। देखिए मैं बूंदी को चाशनी में डाल दे रही हूँ, और भी बूंदी मैं रेडी करूँगी, फिर मैं साथ में सारी चाशनी में डाल दूँगी। इस तरह से मैं डालते जाऊँगी, हमारी बूंदी रेडी होती जाएगी और हम उसे चाशनी में डालते जाएंगे। ये देखिए हमारी सारी बूंदी रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली बनी है ये। इसे आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है ये। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर